तो हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन, और एक ऐसा मासूम कैरेक्टर होता है जिससे हम सबको हमदर्दी होती है। लेकिन जो मासूम कैरेक्टर्स होते हैं, क्या वे सच में मासूम होते हैं या फिर उनके साथ में छुपे होते हैं कई गहरे राज? और यही राज आपको मूवी के आगे पता चलेगा। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक सुनसान से घर से। वहाँ पर कई पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक मर्डर्स हुए थे। वहाँ के ऑफिसर मिशेल घर के अंदर जाते हैं और केस को समझते हैं। शेरिफ डेंटलर उनको बेसमेंट पर ले जाते हैं और बेसमेंट में ऑफिसर मिशेल ने एक ऐसी चीज़ देखी थी जिससे कि उनके खुद के होश उड़ गए थे। वो चीज़ क्या थी वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कहानी फिर मर्डर के 24 घंटे पहले आती है जहाँ पर मैक्सिन नाम की एक लड़की ड्रग ले रही थी। तभी वहाँ पर मैक्सिन का बॉयफ्रेंड वेन आ जाता है और वो लोग अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन पर जा रहे थे। वेन मैक्सिन को चलने के लिए बुलाने आया था और उन दोनों के साथ में लॉरेन, बॉबी, आरजे और जैक्सन भी जा रहे थे। उनकी फिल्म का नाम था फार्मर्स डॉटर और असल में ये सभी पॉर्न स्टार्स थे जो कि हॉलीवुड में काम पाने के लिए इन पॉर्न फिल्म्स में काम कर रहे थे और उनको वो लोकेशन रास्ते में मिल गया था, इसीलिए वे लोग वहाँ पर शूटिंग के लिए जा रहे थे। अगर स्लैशर मूवी की बात की जाए और गैस स्टेशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और रास्ते में वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वैन और मैक्सिन वहाँ पर अपनी ज़रूरत का सामान रख रहे थे और मैक्सिन बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती थी क्योंकि उसे किसी भी तरह हॉलीवुड में जाना था, भले ही वहाँ जाने का रास्ता कितना ही ज़्यादा गलत क्यों ना हो। वैन भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह से उसके हर सपने को पूरा करेगा। और गैस स्टेशन के बाहर लॉरेन और आरजे कुछ सीन शूट कर रहे थे। आरजे असल में कैमरामैन था और लॉरेन साउंड इंजीनियर थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर गैस स्टेशन के टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम का लिंक आगे भी कहानी में है, तो इसे अपने दिमाग पर जरूर रखिएगा। फिर सभी अपनी ज़रूरत का सामान लेकर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको ट्रैफिक जाम मिलता है क्योंकि एक ट्रक ने एक गाय को पूरी तरीके से कुचल दिया था, जिसे देखकर मैक्सिन की हालत ख़राब हो गई थी। उसे इन सब से बहुत घिन आ रही थी और उस गाय के मांस के ऊपर वे लोग अपनी कार को चलाकर आगे ले जाते हैं और वहाँ पर उस जगह का ऑफिसर मिचेल भी मौजूद था। सीन कट होता है और फाइनली वे सभी अपनी लोकेशन पर आ गए थे और ये वही घर था जो कि फिल्म के पहले वाले सीन में दिखाया गया था जहाँ पर मर्डर्स हुए थे। वैन कार से उतरकर घर के ओनर हॉवर्ड को आवाज़ लगाता है और वैन ने उस लोकेशन के लिए हॉवर्ड से पहले ही फोन पर परमिशन ले लिया था, लेकिन फिर भी हॉवर्ड गन लेकर घर के बाहर आता है। कार से मैक्सिन भी ये सब देख रही थी और वो इस बारे में बाकियों को बताती है, लेकिन बॉबी और जैक्सन तो कार में ही रोमांस करने में लगे हुए थे। पर वो समझ जाते हैं कि मामला कुछ सीरियस है, तो वे लोग भी वैन की गन निकाल लेते हैं। फिर इधर वैन के ठीक से समझाने के बाद में हॉवर्ड को याद आता है कि उसी ने उन्हें वहाँ पर शूटिंग की परमिशन दी है और तब जाकर वैन बाकी सबको कार से बुलाता है। मैक्सिन नोटिस करती है कि खिड़की से उसे कोई एक बूढ़ी औरत घूर रही है। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है और हॉवर्ड उन सभी को उनके घर से थोड़ी दूर बने एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज देता है। हॉवर्ड उन सबसे थोड़ा नाराज था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वैन अपने साथ में और भी लोगों को लेकर आने वाला है, लेकिन वैन के और पैसे देने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हॉवर्ड मैक्सिन को अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन हॉवर्ड के जाने के बाद में वैन उसे समझाता है कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। और मेन बात यह है कि हॉवर्ड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे लोग यहाँ पर एक पॉर्न मूवी शूट करने वाले हैं, लेकिन वैन को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉवर्ड के जाने के बाद में वे लोग अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ पर मूवी का फर्स्ट सीन जैक्सन और बॉबी शूट कर रहे थे, इसीलिए मैक्सिन आसपास ही घूमने चली जाती है। वो जाकर एक लेक में पहुँचती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई मैक्सिन को छुपकर देख रहा है। मैक्सिन देखती है कि आसपास कोई नहीं है तो वो अपने पूरे कपड़े उतारकर स्विमिंग करने लगती है, लेकिन मैक्सिन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उस लेक में एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उसके आसपास घूम रहा है। वो बड़ा सा क्रोकोडाइल मैक्सिन को पकड़ ही लेता, लेकिन वो समय रहते उस लेक से बाहर आ गई थी और स्विमिंग करके वो अपनी जगह वापस जा रही थी। और तभी हॉवर्ड की बूढ़ी वाइफ पर्ल उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। मैक्सिन भी उसके बुलाने पर घर के अंदर चली जाती है। पर्ल का घर अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा था और खाने की प्लेट तक कई दिनों से वैसी की वैसी पड़ी थी, जैसे कि पर्ल और हॉवर्ड घर का कोई ख्याल रखते ही नहीं हो। पर्ल मैक्सिन को लेमोनेड पीने के लिए देती है और इधर हम देखते हैं कि बॉबी और जैक्सन भी अपनी मूवी का सीन शूट कर रहे थे। यहाँ पर पर्ल बस मैक्सिन को ही घूरे जा रही थी और मैक्सिन को काम था तो वापस जाने की बात करती है। तभी पर्ल उसे दरवाजे की तरफ लाती है और उसे अपने पुराने फोटोज दिखाती है। पर्ल उसे बताती है कि वो अपनी जवानी में बिल्कुल मैक्सिन की तरह दिखाई देती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शादी के बाद में हॉवर्ड आर्मी में चला गया था
उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय आर्मी में ही बिताया और वो घर से दूर रहा। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी पर्ल को अकेले घर पर छोड़कर रहता था और इसीलिए उसकी पूरी जवानी ऐसे ही निकल गई। यहाँ तक कि उसे बच्चा भी नहीं हुआ और इसीलिए वो अकेली पड़ गई है। उसने कभी भी अपने हस्बैंड के साथ में घूमना फिरना, सेक्सुअल फीलिंग शेयर करना और ये सब उसे कभी मिला ही नहीं। पर्ल मैक्सिन को समझाती है कि ये जवानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खूबसूरत है। इसी समय में हम अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करते हैं और तभी पर्ल मैक्सिन को अजीब तरीके से घूरती है, जो कि मैक्सिन को भी अच्छा नहीं लगता है। और उसी समय हॉवर्ड घर पर आ गया था। पर्ल मैक्सिन को चुपके से पीछे के डोर से चले जाने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि यह हमारा सीक्रेट रहेगा, लेकिन मैक्सिन को तो समझ नहीं आया था कि कौन सा सीक्रेट। फिर वो हॉवर्ड से छुपते छुपते अपने रूम की तरफ जाने लगती है और वैन उसे हर तरफ ढूंढ रहा था, क्योंकि अब उसका सीन था। मैक्सिन अपने सीन के लिए रेडी होने के लिए निकल जाती है और वो ड्रग्स लेकर अपना सीन परफॉर्म करने लगती है। मैक्सिन का अपनी लाइफ में यही मानना था कि वो जो डिजर्व नहीं करती है वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। और इधर हॉवर्ड समझ जाता है कि घर पर कोई आया था, क्योंकि टेबल पर दो लेमोनेड के ग्लास पड़े हुए थे। पर्ल के रूम में हम कई सारी डॉल्स को भी देख पाते हैं और पर्ल यहाँ पर टूटे फूटे पुराने मेकअप बॉक्स से मैक्सिन जैसा ही मेकअप कर रही थी। और जब मैक्सिन अपना सेक्सुअल सीन शूट कर रही थी तब पर्ल उसे पीछे से छुपकर आकर देख लेती है और वो वहाँ पर मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पर्ल के कौन से डिज़ायर पूरे नहीं हुए हैं। रात को पर्ल रेडी होकर हॉवर्ड के पास आती है, लेकिन हॉवर्ड उसके साथ में इंटीमेट होना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक हार्ट का पेशेंट था और पर्ल फिर भी उसे सेड्यूस कर रही थी। तो इसीलिए वो पर्ल को धकेल कर अपने रूम में चला जाता है। सीन कट होता है और रात के समय फिल्म के सभी लोग बातें कर रहे थे और बातों के बीच में मैक्सिन लॉरेन की बेइज्जती करती है, क्योंकि वो हर समय उसे घूरा करती थी। यहाँ पर लॉरेन कहती है कि उसे भी उनकी तरह बनना है, इसीलिए वो उनको देखती रहती है। लॉरेन भी अब फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन आरजे ये नहीं चाहता था कि लॉरेन इस टाइप की मूवी में काम करे। लेकिन लॉरेन उससे परमिशन नहीं मांग रही थी, उसकी तो ये बस जिद बन चुकी थी कि वो इस मूवी में काम करे। वैन और आरजे बाहर आकर बातें करते हैं और आरजे नहीं चाहता था कि उसके गर्लफ्रेंड इस टाइप की मूवीज़ में काम करे, और इन सब के चलते अगर उसे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। वैन उसे समझाता है कि जैक्सन एक प्रोफेशनल है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है, और अगर वो इस फिल्म में लॉरेन को काम करने से रोक भी लेगा तो वो जाकर किसी और की फिल्म में काम कर लेगी। आरजे उसे कहता है कि लॉरेन अच्छी लड़की है, और तब वैन कहता है कि वहाँ पर रहने वाली कोई भी लड़की अच्छी नहीं है। मतलब कि वैन भी मैक्सिन से कोई प्यार नहीं करता था, वो बस अपनी फिल्म के लिए उसका फ़ायदा उठा रहा था। फिर आरजे के प्यार को भूलकर लॉरेन पॉर्न फिल्म में काम कर लेती है, और शूटिंग के बाद में आरजे बहुत ज़्यादा रोता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन उसी के सामने ये सब काम करने लगेगी। लेकिन लॉरेन को आरजे की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने गले का क्रॉस उतारकर अपने काम में लग गई थी। उसे एक सिंपल सी लड़की नहीं बने रहना था, उसे भी बॉबी और मैक्सिन की तरह अपने मन का मालिक बनना था। आरजे भी डिसाइड कर लेता है कि वो अब यहाँ पर इन सब के साथ नहीं रहेगा। तो आरजे कार की चाबी लेकर कार की तरफ जाता है। वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे कार रोकनी पड़ती है क्योंकि पर्ल उसकी कार के सामने खड़ी थी। वो कार से उतरकर पर्ल से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन पर्ल तो आरजे को ही सेड्यूस करने लगती है। आरजे पर्ल को खुद से दूर करता है और ये बात पर्ल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो आरजे के गले में चाकू घुसा देती है। आरजे वहीं पर गिर जाता है और तड़प रहा था, और पर्ल उसके पास आकर उसके गले में इतनी बार चाकू से वार करती है कि आरजे का गला उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और पूरी जगह खून से सन जाती है। फिर पर्ल अपनी सारी भड़ास आरजे पर निकाल रही थी, और उसका मर्डर करने के बाद में पर्ल वहीं पर डांस भी करने लगती है, और फिर पर्ल कार की चाबी अपने पास रख लेती है। अब फिर कुछ देर के बाद में लॉरेन की जब आँखें खुलती है तो आरजे उसके पास में नहीं था। वो बाहर जाती है ये देखने के लिए कि आरजे कहाँ पर है, लेकिन आरजे उसे नहीं दिखाई देता है। तभी वहाँ पर वैन आता है और वैन को सब कुछ बताकर दोनों आरजे को ढूंढने जाते हैं। लॉरेन को ऐसा लग रहा था कि उसके पॉर्न फिल्म में काम करने की वजह से आरजे उसे छोड़कर चला गया है, और अब फिर वैन फार्म में आरजे को ढूंढने जाता है। लॉरेन भी फार्म तक जा ही रही थी, लेकिन हॉवर्ड के घर का लाइट जलता हुआ देखकर वो रुक जाती है, और तभी हॉवर्ड घर के बाहर आता है। लॉरेन उससे आरजे के बारे में पूछती है, लेकिन हॉवर्ड उससे पर्ल के बारे में पूछ रहा था। इस तरफ फार्म के एक वेयरहाउस में वैन के पैर में एक कील घुस जाती है, जो कि उसके पैर के आर पार हो गई थी, और वैन किसी तरह उस कील को अपने पैर से निकालता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, और तभी वैन को किसी के पास होने का एहसास होता है।
वैन को ऐसा लग रहा था कि वो शायद आरजे हैं और वो डोर के होल से बाहर देखने लगता है। तभी कोई दीवार के दूसरी तरफ से उसकी आंख में खिल घुसा देता है और दूसरी तरफ हॉवर्ड लॉरेन से मदद मांगता है ताकि वो पर्ल को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। हॉवर्ड लॉरेन को बेसमेंट में भेज देता है कोई चीज़ लाने के लिए। इधर हम देख पाते हैं कि वैन को पर्ल नहीं मारा है। पर्ल वैन की डेड बॉडी के पास आकर उस पर एक और बार वार करती है और फिर उसकी बॉडी को घास से ढककर छुपा देती है। इधर लॉरेन को बेसमेंट में टॉर्च मिल जाती है, लेकिन जब बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है तो वहाँ का डोर बंद था और वो हॉवर्ड को आवाज़ लगाती है मदद के लिए, लेकिन हॉवर्ड ने ही उस डोर को बाहर से लॉक करके रखा हुआ था। तभी लॉरेन को वहाँ पर किसी आदमी की सड़ी गली नेकेड लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मारा गया था, और लॉरेन ये देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। यहाँ पर जैक्सन की जब आँखें खुलती है तो उसे अपने रूम की डोर खुली हुई मिलती है और वो किचन में जाता है कुछ पीने के लिए। तभी उसे घर के बाहर हॉवर्ड नज़र आता है। वो बाहर आकर हॉवर्ड को उसकी परेशानी का कारण पूछता है और हॉवर्ड उसे बताता है कि उसकी पत्नी मिसिंग है। तो जैक्सन हॉवर्ड के साथ में निकल जाता है। यहाँ पर बॉबी उस समय सो रही थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, और पर्ल यहाँ पर मैक्सिन के रूम में आकर उसके शरीर को देख रही थी। फिर पर्ल यहाँ पर कपड़े उतार कर मैक्सिन के पास में सो जाती है। मैक्सिन गहरी नींद में थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, और इधर जैक्सन और हॉवर्ड पर्ल को ढूंढने के लिए लेक के पास आ गए थे। हॉवर्ड उसे कहता है कि लेक पर बहुत सारे क्रोकोडाइल है, लेकिन जैक्सन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहले US मरीन में था। जैक्सन दूसरी तरफ निकल जाता है पर्ल को ढूंढने के लिए, और जैक्सन को लेक में किसी की कार डूबी हुई मिलती है, और शायद ये कार बेसमेंट में मिली उसी डेड बॉडी की होगी। जैक्सन लेक के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन उसे हॉवर्ड नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे पानी में हॉवर्ड की टॉर्च नज़र आती है। जैक्सन को लगता है कि हॉवर्ड पानी में गिर गया होगा, और पानी में वो हॉवर्ड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे हॉवर्ड नहीं मिलता है तो वो पानी के ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर हॉवर्ड उसे नज़र आता है, और हॉवर्ड जैक्सन से कहता है कि पर्ल मुझसे जो चाहती है मैं वो उसे कभी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर उसके डिज़ायर को फिर से जगा देते हैं। ये कहने के बाद में हॉवर्ड जैक्सन को गोली मारकर मार डालता है। इधर पर्ल अपने खून में सने हाथों से मैक्सिन को अजीब तरीके से छू रही थी, और मैक्सिन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने पास में पर्ल को देखती है, जिसे देखकर वो चिल्ला देती है, और उस आवाज़ से बॉबी की नींद खुलती है और वो मैक्सिन के रूम में जाती है जहाँ पर पर्ल बिना कपड़ों के भाग रही थी। पर्ल को ऐसे देखकर बॉबी शॉक्ड हो गई थी, और इस तरफ लॉरेन एक कुल्हाड़ी से डोर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लॉरेन अपना हाथ बाहर निकालकर हुक खोलने की कोशिश करती है, और तभी वहाँ पर हॉवर्ड आकर गन से कई बार शूट करके लॉरेन की उंगलियाँ उखाड़ देता है, और वो जाकर टीवी पर वही प्रोग्राम देखने लगता है। लॉरेन यहाँ पर दर्द से चिल्ला रही थी, और इस तरफ मैक्सिन खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स लेती है, और बॉबी जैक्सन को ढूंढने जाती है। उसे लेक के पास में पर्ल खड़ी दिखाई देती है जो कि नेकेड थी। बॉबी अपने कपड़ों से उसे ढक देती है, लेकिन पर्ल उसे एक थप्पड़ मारती है, जिसके जवाब में बॉबी उसे कह देती है कि उसकी खुद की गलती है जो कि उसने जवानी को कभी एंजॉय नहीं किया बल्कि बर्बाद कर दिया, और वो तो उसके साथ में अच्छे से बिहेव कर रही थी। बॉबी उसे रास्ते से हटने को कहती है, लेकिन पर्ल बॉबी को पानी में धकेल लेती है, और क्रोकोडाइल आकर बॉबी को खा जाता है, और हॉवर्ड भी वहाँ पर आकर ये सब देख लेता है, और पर्ल को वो अपने साथ में अपने घर में ले जाता है। यहाँ पर मैक्सिन अपने आप को साफ कर रही थी, और उसे बहुत घिन आ रही थी जो भी पर्ल ने उसके साथ में किया है। मैक्सिन को घर पर कोई नहीं दिखता है। वो बाहर पर्ल और हॉवर्ड को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पर्ल के पास में बॉबी का कपड़ा था। यहाँ पर रूम के अंदर हॉवर्ड पर्ल की तारीफ करके उसको कम्फर्ट कर रहा था, और पर्ल हॉवर्ड को सीड्यूस करने लगती है। हॉवर्ड उससे पूछता है कि क्या उसका दिल ये झेल पाएगा, जिस पर पर्ल उसे हाँ कहती है, और दोनों फिर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। मैक्सिन यहाँ पर उनसे बचने के लिए उनके बेड के नीचे छिपी हुई थी, और मौका देखकर वो वहाँ से भागकर कार की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे आरजे की लाश नजर आती है, और उसे लॉरेन के चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। वो गन लेकर उसे बचाने जाती है, और बेसमेंट का डोर खोलकर वो लॉरेन को बाहर निकालती है, लेकिन वो उल्टा मैक्सिन पर ही गुस्सा निकाल रही थी। मैक्सिन के रोकने पर भी वो घर से बाहर भागती है, और तभी उसे हॉवर्ड गोली मार देता है, और ये देखकर मैक्सिन छुप जाती है। हॉवर्ड लॉरेन की बॉडी को घर के अंदर लाने लगता है, और तभी अचानक लॉरेन का सर हिलता है, और डर के मारे हॉवर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि कुछ ही समय में वो वहीं पर मारा गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन गन लेकर बाहर आती है और कार की चाबी मांगती है।
फिर पर्ल हॉवर्ड के लिए उससे मदद मांग रही थी, लेकिन कुछ ही देर पहले उसने उसके सारे फ्रेंड को मार दिया था, तो मदद का तो सवाल ही पूरा नहीं होता। पल उसे चाबी का पता दे देती है और मैक्सिन चाबियों को उठाती है और पल से कहती है कि वो बाहर जाकर सबको बता देगी जो भी उसने और उसके पति ने जुर्म किए हैं। यहाँ पर पल भी उसे कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और उसने क्या पाप किए हैं, जिसके जवाब में मैक्सिन का कहना था कि उसने पाप किया भी है तो क्या हुआ, एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। और ये कहकर मैक्सिन पल के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं थी। और तभी पल गन उठाकर मैक्सिन पर गोली चलाती है। मैक्सिन को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पल गोली की फोर्स से दूर गिर जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। वो मैक्सिन से मदद मांगती है, लेकिन मैक्सिन पल के सर को कार से कुचल देती है और कहती है कि ये हमारा सीक्रेट रहेगा। और फिर मैक्सिन वहाँ से कार लेकर चली जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हॉवर्ड के घर में मर्डर सीन था और अभी भी टीवी पर वही प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्सिन उसी टीवी वाले आदमी की बेटी थी जो कि गलत रास्ता चुनने के लिए घर से भाग गई थी, लेकिन उसके फादर को यकीन है कि वो एक दिन घर वापस आएगी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसको मारा और क्यों मारा। तभी शेरिफ डेंडलर ऑफिसर मिशेल को आरजे का कैमरा देते हैं, जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा जो भी यहाँ पर चल रहा था। दोस्तों, ये फिल्म 1979 पर बेस्ड है। एक तरफ पल होती है जिसने अपनी पूरी जवानी बिना लाइफ को एंजॉय किए बर्बाद कर दी थी और वो इसका जिम्मेदार दूसरों को मानती थी। इधर दूसरी तरफ मैक्सिन, लॉरेन और बॉबी हैं, जिन्होंने अपनी जवानी का हर एक पल एंजॉय किया, चाहे उनका रास्ता गलत ही क्यों ना था। पल डॉल से ही अपनी लाइफ में बच्चे की कमी पूरी करती थी। वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अनजान लोग भी हॉवर्ड और उसके हाथों मारे गए थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।